मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 22 जनवरी 2021। आज के दिन हम जो है व्याकरण भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो सातवीं कक्षा के संबंधित जो व्याकरण भाग से काल का हम जो है लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो है यह जो हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, ये जो रिवीजन के तौर पर इसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर से अध्ययन कर रहे हैं, इससे जो है आपको व्याकरण का जो ज्ञान भंडार है वो ज़्यादा होगा और काल के संबंधित जो भी शंका है वो आपके दूर हो सकते हैं। और पढ़ने से पहले, इस वीडियो का अध्ययन करने से पहले जो है काल की हम परिभाषा देखेंगे। काल यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता हो उसे हम काल कहते हैं। काल में प्रमुख रूप से तीन प्रकार हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। तो उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने वर्तमान काल का अध्ययन किया। वर्तमान काल जो उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 6 भेद माने जाते हैं वर्तमान काल में भी। पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसके अंतर्गत देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, हमें सामान्य वर्तमान काल में जो है निश्चित जो ज्ञान, निश्चित समय की जानकारी जो है वह क्रिया का नहीं मिलता है। वह पुस्तक पढ़ता है, कब पढ़ता है पता नहीं है। तो दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें जो है उदाहरण के तौर में देखेंगे, अपूर्ण यानी पूर्ण जो क्रिया का, जो क्रिया जो है पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण जो है वर्तमान में क्रिया जो पूर्ण नहीं होती है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, जो वर्षा हो रही है अभी वह जारी है, क्रिया जो है जारी है। उसी प्रकार मोहन लिख रहा है, लिखना जो क्रिया है जारी है। उसी प्रकार तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्रिया जो है संपन्न हो गई, जो वर्तमान में संपन्न हो गई। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है, जो पढ़ने की क्रिया जो है पुस्तक की वह समाप्त हो गई है। अभी पूर्ण वर्तमान जो पूर्ण हुआ है वहां पर संदिग्ध। और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें संदिग्ध यानी संदेह होता है। जैसे राम चढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, यहां पर संदेह व्यक्त करना है। क्रियाओं में जो वर्तमान में संदेह व्यक्त करना है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल। पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल, जो अभी अभी जो क्रिया जो है हो रही है वहां जा रहा है, आपके सम्मुख ही जो है अभी अभी कार्य जो है चलता है उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। और छठा है संभाव्य वर्तमान काल, वहां संभवता जो है प्रकट होती है। जैसे वह लौटा हो, उसने खाया हो, ऐसे जो है संभावना जो है बताना ही जो संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रकार हमने विस्तृत अध्ययन जो है वर्तमान का पिछले वीडियो में देखा था। आज हम काल के अंतर्गत दूसरा प्रकार है भूतकाल, उसका अध्ययन करेंगे। भूतकाल, इसे पास्ट टेंस कहते हैं, जो इसका अर्थ होता है बीता हुआ समय। ठीक है, इसकी परिभाषा किस प्रकार है देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का यानी बीत गया है समय, उसका बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो दूसरे वाक्य में भी हम देखेंगे, सरल शब्दों में देखिए, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो,
जो क्रिया जो है वह समाप्त हो गई है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल यही कि जो क्रिया जो है बीत गई है उसे ही हम जो सरल शब्दों में भूतकाल कह सकते हैं। कुछ उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, वह खा चुका था। वह खा चुका था यानी वह खाना जो है क्रिया जो है हो चुकी है। राम ने अपना पाठ याद किया, याद किया यानी किया था भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, पुस्तक जो है पढ़ ली थी यानी जो बीता हुआ समय को फिर से यहां पर बता रहे हैं कि मैंने पढ़ ली थी। ठीक है, इस प्रकार जो है भूतकाल के उदाहरण आपने देखा। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं कि क्रिया का जो होने का बोध यहाँ पर ज्ञान आपको मिल रहा है, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं, यही जो है भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। यह जो आदि इसमें लग जाते हैं, आगे देखेंगे तो आपको याद रखना है कि भूतकाल में था, थे और थी। था जो है स्त्री पुल्लिंग के लिए, एक वचन बहुवचन या कोई बहुवचन के लिए थे, और स्त्रीलिंग के लिए थी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार भूतकाल की आपने व्याख्या देखी, जो बीता हुआ समय को बताता है, क्रिया जो समाप्त हो गई है उसका जो ज्ञान या बोध कराते हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के अब भेदों पर प्रकाश डालेंगे। भूतकाल के भेद यह भी 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद है, प्रकार भी कह सकते हैं, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। और छठा है हेतु हेतुबद्ध मद भूतकाल। भूत हो गया है, काल जो है यहाँ पर मिस्टेक से नहीं है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऐसे 6 प्रकार हैं। पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो अब हम इन 6 प्रकारों में से आज हम अगला जो प्रकार है पहला उसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। इसकी व्याख्या देखेंगे जो इस प्रकार है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। वर्तमान में निश्चित ज्ञान जो है, निश्चित समय जो है, निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार भूतकाल में क्रिया का निश्चित ज्ञान जो है, विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। वहां पर वर्तमान का निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता, यहाँ पर भूतकाल का बीते हुए जो क्रिया का भी यहाँ पर सही से ज्ञान जो नहीं मिलता है, बोध नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो कुछ उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, जो
सामान्य भूतकाल किस प्रकार होता है? तो देखिए यहां पर पहला है मोहन आया था, कब आया था? यहां पर समय जो है निश्चित समय की जो भूतकाल के अंतर्गत क्रिया में समय का ज्ञान जो है नहीं दे रहा है, निश्चित ज्ञान। मोहन आया था, कब आया था? कल आया था, लेकिन कितने बजे आया था, कहाँ से आया था, ये कोई भी इसमें जानकारी नहीं है इस वाक्य के अंतर्गत। दूसरा है सीता गई थी, कहाँ गई थी पता नहीं, लेकिन गई थी। यहाँ पर समय जो है, यहाँ ज्ञान जो है नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार अगला प्रकार है श्री राम ने रावण को मारा था, श्री राम ने रावण को मारा था, कब कहाँ, ये कुछ भी हमें पता नहीं चलता। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। उसी प्रकार मैं पढ़ता था, वह खेलता था, कब खेलता था पता नहीं। उसी प्रकार शाम ने पुस्तक पढ़ी, राम भेलपुरी खाता था। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध गाना भी है गोविंदा द्वारा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। ऐसी गाना जो है पूरा, यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इस तरह जो गाना है बहुत ही सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तो आपको सामान्य भूतकाल में जो है समय का ज्ञान जो नहीं मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार सामान्य भूतकाल का हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया। दूसरा प्रकार है, उससे पहले जो है इस वाक्यों के जानकारी हासिल करेंगे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं, हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला दूसरा प्रकार है भूतकाल का आसन्न भूतकाल। आसन यानी समय, अभी अभी जो है वर्तमान में बीत गया है उसे हम आसन्न भूतकाल, तो भूतकाल में प्रवेश किया है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे व्याख्या की व्याख्या से जानेंगे हम, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया जो है पूर्ण हुई है, अभी अभी जो है पूर्ण हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तात्कालिक ही सूचित होती है। जो अभी अभी जो है वर्तमान में जो क्रिया पूर्ण हुआ होता है उसे, वह भूत में जो प्रवेश या उसमें आ जाता है उसे हम जो निकट भूत में कहते हैं, भूतकाल में आ जाता है। उसी प्रकार जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे उसे हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार। जैसे पहला उदाहरण है मैंने आम खाया है, खाने का जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हुई है, इसके लिए यह आसन्न या आसन्न भूतकाल में आ जाता है। खाया जो है आम खाया है, अभी अभी खाया है, तो क्रिया भी समाप्त हो गई है, इसके लिए भूत में जो है निकटवर्ती बन गया है जो वाक्य। दूसरा है मैं अभी सोकर उठी हूँ, सोने की जो क्रिया है वो अभी अभी खत्म हुई है, समाप्त हुई है, इसीलिए यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना, अभी जो क्रिया है अभी अभी ही समाप्त होती है, वह भूतकाल में निकट हो जाती है, इसीलिए आसन यानी सामने। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, अध्यापक अध्यापिका जो है अभी अभी पढ़ाकर आई है, इस तरह। तो आपको समझ में आ गया कि आसन या आसन समीप जो है वर्तमान में जो क्रिया है पूर्ण हो गया है वह
जो है भूत में निकट जो क्रिया है निकट हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर तीस देखिए जो तीन वाक्य हैं उनके बारे में बताया है। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। अभी अभी जो क्रियाएं पूर्ण हुई हैं इसीलिए ये आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यह पढ़ने से पहले हम अपूर्ण वर्तमान भूत को पढ़ेंगे। हम अपूर्ण भूतकाल क्योंकि अपूर्ण से ही हम पूर्ण भूतकाल को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए अपूर्ण भूतकाल जो है यहां पर पूर्ण यानी जो क्रिया है भूतकाल में वह पूर्ण नहीं हुई है इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वाक् परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे जिस क्रिया से यह ज्ञान हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था। भूतकाल में यह कार्य जो है संपन्न नहीं हुआ था वहां पर वर्तमान में जो कार्य का संपन्न नहीं हुआ था इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ पर भूतकाल में जो कार्य संपन्न नहीं हुआ था इसलिए अपूर्ण भूतकाल अभी चल रहा था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी चलता है वह जो कार्य है अभी चल रहा था इसीलिए उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम सुरेश गीत गा रहा था जो गाने की क्रिया जो है भूतकाल में अभी समाप्त नहीं हुई थी इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। गा रहा था गा चुका था ऐसे नहीं है वहां पर गा रहा था इसीलिए। दूसरा उदाहरण है रीता सो रही थी जो सोने की क्रिया है भूतकाल में अभी जारी है सो रही थी इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अपूर्ण के बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे मैं खेल रहा था मैं पढ़ रहा था गाड़ी छूट रही थी यह भी जो है क्रियाएं जो है भूतकाल में अभी जारी हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अतीत में यानी बीते हुए समय में अभी पूरा न होने का पता चल रहा है अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार आज हमने भूतकाल के अंतर्गत भूतकाल जो है बीता हुआ समय उसके अंतर्गत आज हमने छह प्रकारों में से तीन प्रकार का अध्याय किया। पहला है सामान्य भूतकाल जो और दूसरा है आसन्न भूतकाल जो अभी अभी क्रिया पूर्ण हुई है और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार हमने तीन जो उपभेद हैं इसके भेद हैं उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसके बाकी के तीन जो प्रकार हैं उनका हम समग्र अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।